me through my two step. शायरियां कहां से आते हैं, थोड़ा उसके ऊपर है कि फटी पुरानी किताब हूं मैं, तुम नई डायरी समझते हो। फटी पुरानी किताब हूं मैं, तुम नई डायरी समझते हो, और जमाने के लिहाज से चुप हूं, तुम मेरी कायरी समझते हो। जमाने के लिहाज से चुप हूं, तुम मेरी कायरी समझते हो, और किसी से अधूरी शिकायतें हैं मेरी और कुछ भी नहीं। किसी से अधूरी शिकायतें हैं ये मेरी और कुछ भी नहीं। बड़े नादान हो यार, तुम इसे शायरी समझते हो। एक रिलेशनशिप जो लोग खराब करते हैं उनके ऊपर लिखा था कि एक मतला चंद्रशार जरस नहीं है, मेरे यार इश्क में ऐसे नादानी नहीं चलती, अफसाने तो चलते हैं सच्ची कहानी नहीं चलती। मेरे यार इश्क में ऐसे नादानी नहीं चलती, अफसाने तो चलते हैं सच्ची कहानी नहीं चलती। और चाल साजी से मेरा कत्ल करना तो फिर भी ठीक था, चाल साजी से मेरा कत्ल करना तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसमें झूठे इल्ज़ाम लगाने वाली हरकतें बचकानी नहीं चलती। और कुछ तो कमी तेरी तालीम में भी रही है ज़रूर, कुछ तो कमी तेरी तालीम में भी रही है ज़रूर, तभी तो तेरी जुबान से बातें खानदानी नहीं चलती, तभी तो तेरी जुबान से बातें खानदानी नहीं चलती। और तेरी संगत में कुछ तो छिछुरा हुआ हूँ मैं भी, तेरी संगत में कुछ तो छिछुरा हुआ हूँ मैं भी, तभी तो तेरे गलत इरादों में भी नाफरमानी नहीं चलती। और इसका मतलब देखा, ये रिश्ता था हमारा जरा सोच के संभालते इसे, ये रिश्ता था हमारा जरा सोच के संभालते इसे, यार इसमें नाराजगी तो चलती है, यार इसमें नाराजगी तो चलती है, लेकिन बस जवानी नहीं चलती। शुक्रिया भाई। अब एक ये हिमांशी आई है साथ में, तो उनकी एक ये लगा लो कहते ना किसी और की जमीन पे अपनी फसल उगाने वाली कहानी थी, तो सोचा तो उनके आगे सुनाऊंगा, वो तो है नहीं, लेकिन इसलिए आज ये वाला यहाँ सुना रहा हूँ कि मैंने उनसे पिछले इवेंट में बोला भी था कि मेरे को आपका एक शेर बहुत पसंद आया, मुझे पूरी गज़ल सुना दो। उनका खाली शेर ही है, एक पूरा नहीं है, तो उसको पूरा करने की कोशिश की थी थोड़ा, और ये सुना के अपनी जगह लूँगा, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा भाई भी जल्दी में, कि तेरा इंतज़ार ख़त्म होने को ही नहीं है, एक एक दिन करके बीत यूँ बरस जाते हैं। तेरा इंतज़ार ख़त्म होने को ही नहीं है, एक एक दिन करके बीत यूँ बरस जाते हैं, इस कदर टूटा हूँ इश्क में तेरे, आईना देखूं तो अक्स भी बिखर जाते हैं। आईना देखूं तो अक्स भी बिखर जाते हैं, और दर्द छुपाना सिखा दिया है तेरे इश्क ने मुझे, दर्द छुपाना सिखा दिया है तेरे इश्क ने मुझे, अब हम आंखों में आंसू लेके मुस्कुराते हैं। और ये अगला शेर मेरा नहीं है, हिमांशी बाबरा कातिब जी का है, सबने सुना होगा, और इस पर तवज्जो दे देना, मेरा नहीं है पहले बता रहा हूँ, ठीक है, कि देखिए ना आपने मेरी क्या हालत कर दी, देखिए ना आपने मेरी क्या हालत कर दी, मैं मुस्कुराऊं भी तो लोग तरस खाते हैं। और इसका मकसद ऐसा कि कहीं दिखना जाए तू मुझे इन नजरों में, अब कहीं दिखना जाए तू मुझे इन नजरों में, अब इसलिए खुद से ही अपनी नजरें चुराते हैं। शुक्रिया भाई, बहुत धन्यवाद।